कहते हैं चुनाव में जनता के मुद्दों की बात होती है, वो मुद्दे जो क्षेत्र के विकास की बात करते हो, जो जनता को आगे ले जाने की बात करते हो। लेकिन जब उत्तर प्रदेश चुनाव में पहले चरण के मतदान में सिर्फ 8 दिन का समय रह गया है, तब चुनावी शोर में मुद्दों की जगह गर्मी, भूसा और चर्बी जैसे शब्दों की गूंज सुनाई दे रही है। असली मुद्दे बिल्कुल गायब हैं। आखिर क्यों चुनाव नजदीक आते आते जुबान जहरीली होती जा रही है? क्यों विकास से शुरू हुआ चुनाव गर्मी और चर्बी निकालने तक पहुंच गया है? क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। तो ये जो मुख्यमंत्री जी के अंदर गर्मी आ रही है, वो इसलिए गर्मी आ रही है कि ये टिकट जगह जगह मांग रहे थे, इनकी मन पसंद टिकट उन्हें नहीं मिली। ऐसा भर भर के वोट दो, ईवीएम की मशीन को ऐसा भर के दो, नलके के बटन, हैंडपंप के बटन को ऐसा दबाओ, ये भारतीय जनता पार्टी की जो चर्बी चल रही है, सारे नेताओं की चर्बी उतार दो आप। जयंत चौधरी भी पछतावा करेंगे, जयंत चौधरी भी पछतावा करेंगे। आज जो फिर से दो लड़कों की जोड़ी जो आ रही है ना, ये दंगा कराने की साजिश के लिए आई है। वहाँ तो मैं 24,000, यहाँ आए हम 90,000, इलाज बांध देंगे, घुस भर देंगे। उनके सर पे लाल टोपी रहती है लेकिन जेब में जालीदार टोपी रहती है। बीजेपी की गर्मी निकल गई जब 3 किसान कानून को वापस लेना पड़ा। मुख्यमंत्री जी के अंदर गर्मी आ रही है, भारतीय जनता पार्टी की जो गर्मी चल रही है, बीजेपी की गर्मी निकल गई, इलाज बांध देंगे, घुस भर देंगे। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, दावे ऐसे कि दुनिया के तमाम देश पीछे छूट जाए, लेकिन जब चुनाव सिर पर आता है तो ऐसे ही जहरीले बयानों का बोलबाला होता है। भारतीय जनता पार्टी की जो गर्मी चल रही है, बीजेपी की गर्मी निकल गई, इलाज बांध देंगे, घुस भर देंगे। अब इसे उत्तर प्रदेश की जनता का दुर्भाग्य न कहे तो क्या कहे? जिस राज्य में 20 करोड़ से ज्यादा की आबादी रहती है, जिस उत्तर प्रदेश की करीब 30% आबादी गरीबी रेखा के नीचे जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो, वहाँ चुनाव में गरीबी कैसे हटाएंगे ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि विरोधियों की गर्मी कैसे शांत करेंगे। एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद, क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। 30 जनवरी को यूपी के हापुड़ की जनसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने गर्मी मिटाने वाला बयान दिया था, लेकिन इस तरह के बयान देने में कोई भी दल पीछे नहीं है। योगी आदित्यनाथ की गर्मी वाले बयान के जवाब में आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने चर्बी वाला धनुष बाण चलाया। तो हमारा तो खून ही गर्म है बाबा जी, आप जो है कंबल ओढ़ के गोरखपुर में सो जाओ, आपका काम नहीं है। योगी बाबा जो कह रहे हैं कि इनकी गर्मी निकाल दूंगा और मई जून में शिमला जैसी ठंड हो जाएगी, मुझे लग रहा है कि पिछले हफ्ते जो एक शीत लहर आई थी, इनका माथा बहुत बड़ा है, इन्हीं को ठंड लग गई। ऐसा भर भर के वोट दो, ईवीएम की मशीन को ऐसा भर के दो, नलके के बटन, हैंडपंप के बटन को ऐसा दबाओ कि भारतीय जनता पार्टी की जो चर्बी चल रही है, सारे नेताओं की चर्बी उतार दो आप। वोट का बटन दबाकर मतदाता इस बात का फैसला करते हैं कि वो अगले 5 साल के लिए अपने और अपने राज्य का भविष्य किन हाथों में सौंपने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ देखिए, जिनके हाथ में सरकार है वो भी, और जो जनता से सरकार बनाने की अपील कर रहे हैं वो भी, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे असली मुद्दे पीछे छूटते दिख रहे हैं। और इतने पर बात खत्म नहीं होती। जुबानी जंग गर्मी और चर्बी से आगे बढ़ती है तो जालीदार टोपी पर पहुंच जाती है। जो गुंडे हैं, अपराधी हैं, माफिया हैं, कोई जेल में है, कोई बेल में है, और ऐसे अपराधियों के सर पे आजकल आप लाल टोपी देखते होंगे और जेब में उनके जालीदार टोपी रहती है। मैनपुरी की करहल सहित 4 सीटों पर जीत का चौका लगेगा, कमल खिलेगा, और उत्तर प्रदेश में 300 से ज्यादा कमल खिलेगा। यूपी के डिप्टी सीएम ने बयान की तलवार सिर्फ समाजवादी पार्टी पर नहीं चलाई बल्कि राष्ट्रीय लोकदल को भी घेरा। अखिलेश यादव जी एंड कंपनी क्या कह रही है,
10 मार्च समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी। सवाल तो यही है कि जब हर किसी को पता है कि पानी पाइपलाइन से आता है और हर घर तक पानी पहुंचाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है, तो चुनावी रैलियों में सरकार काम का हिसाब देने की बजाय ध्रुवीकरण पर जोर क्यों देती है? तो इस सवाल का जवाब यह है कि पिछली बार तत्कालीन सरकार की नाकामी ने ध्रुवीकरण के माहौल को बनने का मौका दिया और उस मौके को बीजेपी भुना गई। इस बार भी यूपी के शामली जिले में आने वाला कराना चुनाव का केंद्र बनता जा रहा है। पिछले चुनाव में कैराना से हिंदुओं का पलायन मुद्दा बना था और इस बार कैराना से समाजवादी पार्टी के नाहिद हसन को टिकट मिलना मुद्दा बन गया है, क्योंकि बीजेपी नाहिद हसन को पलायन का मुख्य साजिशकर्ता मानती है। माफिया तीन ही जगह पे है, या तो उत्तर प्रदेश छोड़ गए हैं, या तो जेल में है, या अखिलेश की प्रत्याशी की सूची में है, चौथी कोई जगह पे नहीं। और ये भारतीय जनता पार्टी ने जो शासन योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में दिया है, इसका परिणाम है कि पूरे उत्तर प्रदेश से माफियाओं का सफाया होगा। दरअसल बीजेपी की पूरी ब्रिगेड कैराना वाले मुद्दे को जिंदा करके यूपी चुनाव को हिंदू बनाम मुसलमान का रंग देने की कोशिश में लगी है। इन कोशिशों को वजन ऐसे बयानों से मिल रहा है जो नफरत फैलाने में जुटे हैं। पिछले दिनों समाजवादी पार्टी के समर्थक अरशद ने शामली में कैराना के जाटों को धमकाने वाला बयान दिया था। ब्लॉक में नाहिद हसन के साथ जाट हरकत कर रहे, अगर वहाँ उन ब्लॉक में जाट नाहिद हसन के साथ हरकत करेंगे तो हम यहाँ पश्चिम के साथ हरकत कर देंगे। वहाँ तो मैं 24,000, यहाँ आए हम 90,000, इलाज बांध देंगे, घुस भर देंगे, समझ गए। इसी के साथ मेरठ में समाजवादी पार्टी के नेता का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो चुनाव के बाद सबक सिखाने की बात कर रहे थे। लेकिन उन्होंने ये कहा कि आप बेफिक्र रहो, सरकार बन रही है, इंशाल्लाह इनको छोड़ेंगे नहीं। जिस तरीके से ये हमारे साथ जुर्म कर रहे हैं, इनसे बदला लिया जाएगा और इनको एहसास करा दिया जाएगा। आगे ये 100 बार सोचेंगे कि कैसे होता है। मतलब हिंदू मुसलमान सिर्फ एक तरफ से नहीं बल्कि दोनों तरफ से हो रहा है और इसके पीछे है पश्चिमी यूपी का सियासी इतिहास जो यूपी के सत्ता तक राजनीतिक दलों को पहुंचाने में अहम भूमिका निभाता रहा। पश्चिमी यूपी सबसे ज्यादा 136 विधानसभा सीटों वाला हिस्सा है, जहां पिछले चुनाव में बीजेपी ने पश्चिमी यूपी की 80% यानी 109 सीटें जीती थी। समाजवादी पार्टी के हिस्से 21 सीटें आई थी, कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें मिली थी, बीएसपी को 3 सीटें मिली थी, जबकि आरएलडी को सिर्फ 1 सीट से संतोष करना पड़ा था। लेकिन इस बार आरएलडी और समाजवादी पार्टी एक साथ है और इस गठबंधन की नजर मुस्लिम वोटों के साथ साथ जाट वोटों पर भी है, वो जाट वोट जो बीजेपी का साथ देता रहा है। सोचो हम तो नहीं कह रहे कुछ, और ये जाट 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 क्यों क्यों? चौधरी चरण सिंह के आगे कोई जाट जाट चिल्लाता तो चौधरी साहब क्या कहते हो? उन्हें जाट देते, धमका देते, भगा देते। ये जाट 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 क्यों काहे को चिल्ला रहे हैं? आपके लिए कोई लगाव है क्या? कल मैं देख रहा था टेलीविजन पे मोदी जी कह रहे हैं मैं तो जाटों से लस्सी लेकर पिया करता था। ये कौन सी बात हो गई? लेकिन वोट बैंक की इस लड़ाई में असल मुद्दों की बात हो ही नहीं रही। योगी हो या फिर अखिलेश यादव, केशव प्रसाद मौर्य हो या फिर जयंत चौधरी, हर कोई जिन्ना गर्मी और चर्बी में उलझा हुआ है। आज जब पूर्व मुख्यमंत्री मायावती
प्रचार के लिए चुनाव के मैदान में उतरी तो उन्होंने भी एक तीर से दो निशाने साधे। मायावती ने आगरा की रैली में उन मुद्दों का जिक्र कर दिया जो पश्चिमी यूपी के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा है। मायावती ने मुजफ्फरनगर दंगे का जिक्र करके अखिलेश को घेरा तो बीजेपी पर ये कहते हुए निशाना साध दिया कि वो धर्म की राजनीति कर रही है। सपा की सरकार में तो अधिकांश यहाँ गुंडों, बदमाशों, माफियाओं वे अराजक तत्वों एवं सरेआम लूट खसोट करने वालों का ही राजरा है। भाजपा सरकार की भी नीतियाँ व कार्यशैली अधिकांश यहाँ जातिवादी, पूंजीवादी एवं आरएसएस के संकीर्ण एजेंडे को ही लागू करने पर टिकी रही हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि प्रचार की शुरुआत उत्तर प्रदेश में इस तरह से ही हुई थी। जब चुनाव का ऐलान नहीं हुआ था तब हर कोई विकास का बखान कर रहा था। बीजेपी काशी कॉरिडोर से लेकर जेवर एयरपोर्ट तक का जिक्र करके वोटरों को ये संदेश दे रही थी कि यूपी में विकास की गंगा बह रही है। विकास की योजनाएं ठप पड़ी थी, गरीबों को शासन की योजनाएं नहीं मिल पाती थी, विकास का पैसा इत्र वाले मित्र के घर में आरसीसी की दीवारों में कैद हो जाता था। बीजेपी काशी कॉरिडोर को संवारने, कानपुर मेट्रो को शुरू करने का श्रेय लेकर विरोधियों को घेर रही थी। तब अखिलेश यादव और उनकी पार्टी ये कहते हुए बीजेपी पर पलटवार कर रही थी कि सब कुछ अखिलेश यादव का किया हुआ है, बीजेपी तो सिर्फ फीते काट रही है। आजमगढ़ का नाम बदलने से कुछ नहीं होगा, ये नाम बदलने वाला, रंग बदलने वाली सरकार, दूसरों के काम अपने काम बताने वाली सरकार, जो कैंची कहीं से आता, फीता कहीं से आता, काट करके जो अपने नाम कर रहे हैं, इनको जनता बदल देगी। जनता बदलाव चाहती है और आप सब भी बदलाव चाहते हो। इतना ही नहीं, ये वो वक्त था जब अखिलेश और जयंत बीजेपी को महंगाई और किसानों के मुद्दे पर घेरते हुए नहीं थक रहे थे। हमने देश का कल बजट देखा जिसमें किसानों के लिए, रोजगार सृजन के लिए कुछ भी नहीं। बजट में कोई ऐसी घोषणा नहीं कि नौजवानों को उम्मीद मिल सके। कितने गरीब को लाभ होगा, हीरा अगर सस्ता हो जाएगा तो? जूते चप्पल सस्ते किए, और सच तो ये है कि रोजगार को लेकर के और अपनी परेशानी को लेकर के लोगों के जूते घिस गए। लेकिन जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, मुद्दे बदल रहे हैं, विकास की जगह गर्मी का जिक्र हो रहा है तो बदलाव की जगह चर्बी का। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हर किसी को वोट चाहिए। फिलहाल पहले दौर में पश्चिमी यूपी में वोटिंग है, इसलिए इस इलाके में ध्रुवीकरण को धार दी जा रही है और इस धार को बयानों के बाउंसर से हर कोई रफ्तार दे रहा है। बीजेपी की गर्मी निकल गई, इलाज मांग लेंगे, कुछ कर देंगे। ये उसने इन 5 साल के अंदर पूरी हिंदू गर्दी मचाई, उन्होंने हर थाने में हिंदू गर्दी मचाई है। एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने इसी गर्मी और चर्बी को लेकर यूपी के लोगों से सवाल पूछा। सवाल ये कि क्या गर्मी और चर्बी का बयान असली मुद्दे से चुनाव को भटकाने वाला है? हाँ कहने वाले 53% हैं, तो नहीं कहने वाले 30% और पता नहीं कहने वाले 17% लोग हैं। भूमि को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना। और गर्मी चर्बी वाले विवादास्पद बयानों के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने बदायूं में बजरंग बली की भी एंट्री चुनाव में करा दी। भारत माता की, कोई बाहुबली बाहुबली नहीं है, है तो सिर्फ बजरंग बली है और कोई नहीं है भाई। यूपी में पहले चरण के मतदान के लिए सिर्फ 8 दिन बाकी रह गए हैं। 10 फरवरी को पश्चिमी यूपी से वोटिंग शुरू होने वाली है, तो असल मुद्दों पर चर्चा करने की बजाय उन मुद्दों की बात होने लगी है जो वोटरों को भावनात्मक रूप से प्रभावित करने की ताकत रखते हैं। ABP News, आपको रखे आगे।